ॐ जय जय नमोऽस्तु नमोऽस्तु रमो अरन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरियाणं नमो वज्रानां रमो लोये सवसामुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमनोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुर ग्रंथादिराज समय सार कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित 415 गाथाएं और उसमें हमने अभी तक कितनी गाथाएं देखी? 5। पहले तो 3 कलश आए, देव शास्त्र गुरु को नमस्कार किया। कुंद कुंद आचार्य देव ने पहली गाथा में सिद्धों को नमस्कार किया, सिद्ध दशा कैसी है, है ना, और मैं केली शुद्ध केली के द्वारा कहा हुआ कहूंगा, है ना, समय प्राभूत कहूंगा, पर किसका कहा हुआ? केली और शुद्ध केली का कहा हुआ कहूंगा। हमने पूरा डिटेल देखा था। दूसरी गाथा में किसको बताया? समय नामक जीव द्रव्य को बताया, जो एक ही साथ में जाने और परिणमे, ऐसे समय नामक द्रव्य को, जीव द्रव्य को बताया। स्वसमय और परसमय उसके दो भेद किए। तीसरी गाथा में बहुत बढ़िया 6 द्रव्यों को समय कहा। अब यहाँ 6 द्रव्यों को समय, समय क्या हो गया? समय की परिभाषा, जो अपने गुण पर्याय को प्राप्त हो उसे समय कहते हैं। और जगत में सारे द्रव्य कैसे हैं? सुंदर है, लोक में सारे द्रव्य सुंदर है। चौथी गाथा में कहा कि जो चौथी गाथा में क्या कहा कि फिर वो समय अपने को प्राप्त क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि अनादि काल से काम भोग बंधन की कथा का अनुभव है, परिचय है और उसका बात सुनी है, और एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का अनुभव नहीं, बात सुनी नहीं और उसका परिचय नहीं। फिर 5वीं गाथा में कहा, क्या प्रश्न किया कि अब हमको वो समय बताओ, है ना। समय बताने की क्या करते आचार्य देव? प्रतिज्ञा करते हैं, है ना। 5वीं गाथा में 2 चीज बताई थी, प्रतिज्ञा करते हैं, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को बताने की प्रतिज्ञा करते हैं, और दूसरा क्या बताते हैं? अपने निज वैभव से बताऊंगा। मैं किससे बताऊंगा? निज वैभव से बताऊंगा। और आचार्य का निज वैभव का जन्म कैसे हुआ? 4 बोल बताए ना, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश और स्व संवेदन। और कहीं व्याकरण अलंकार आदि में कहीं चूक जाऊ तो फिर वो ग्रहण नहीं करना। और क्या करना? स्वानुभव से प्रमाण करना। मैं कहूँ इसलिए मान मत लेना, पर स्वयं उसका क्या करना? प्रमाण, अनुभव से प्रमाण करना। इतनी इतना तक अपन ने कल तक देखा था, 5वीं गाथा तक। अब 6वीं गाथा में आ जाओ, 6वीं गाथा के ऊपर उत्थानिका में क्या प्रश्न किया कि आप जो शुद्धात्मा को दर्शाने वाले हो, आप जो शुद्धात्मा को बताने वाले हो, ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? क्या प्रश्न किया? ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप हमको जानना चाहिए? पहले अपन प्राकृत में पाठ करते हैं। नमिरो दिया कमतो नपमतो जानगो तुजो भालो एवं वणन्ति शुद्धं नादो जो सुदो सोचेव नहि अप्रमत्त प्रमत्त नहि जो एक ज्ञायक भाव है इस रीत
आओ, सबके पास ग्रंथ है ना सामने, ग्रंथ रख ना आप लोग, है ना। टीका, जो स्वयं, पहले तो आप लोग पहला पॉइंट लिखो, गाथा में चार बोल बताए, गाथा में चार बोल बताए हैं। पहला बोल, पहला बोल, ज्ञायक प्रमत भी नहीं और अप्रमत भी नहीं। ज्ञायक कैसा है? प्रमत भी नहीं और अप्रमत भी नहीं, पहला। दूसरा, एक ज्ञायक भाव है, कैसा है वो? एक ज्ञायक भाव है, दूसरा गुण। तीसरा, तीसरा, इस रीति से शुद्ध कहा जाता है, इस रीति से ज्ञायक कैसा कहा जाता है? शुद्ध कहा जाता है। और चौथा पद, चार पद है ना, चौथा पद, जो ज्ञात वो तो वो ही है, जो ज्ञात वो तो वो ही है। चार पद बताए, क्या नहीं है? अप्रमत भी नहीं और प्रमत भी नहीं, एक ज्ञायक भाव है, इस रीति से शुद्ध कहा, और जो ज्ञात है वो ही है, जो ज्ञात है वो तो वो ही है। ऐसे चार पद पहले गाथा में बताए। अति का प्यार, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ ना होने से, अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। पहला, पहला विशेषण भगवान आत्मा के लिए टीका में पहला विशेषण दिया। पहला विशेषण आप लोग लिखो, क्या लिखोगे? कि जो अनादि का है और अनंत काल रहेगा, अनादि अनंत है, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ और किसी के द्वारा नष्ट होने वाला, कभी उत्पन्न नहीं होता है और कभी उसका नाश नहीं होता है, क्योंकि वो अनादि अनंत है। पहला विशेषण हो गया, ये ज्ञायक कैसा है? तो कहते अनादि अनंत है, उत्पाद को प्राप्त नहीं होता और विनाश को प्राप्त नहीं होता। दूसरा, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, कैसा नहीं है? नित्य उद्योत रूप होने से कैसा नहीं है? क्षणिक नहीं है, इसको अपन समझेंगे बाद में, पहले आप लोग बोल लिख लो। दूसरा बोल क्या बताया? नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। तीसरा, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है, कैसा है? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है, ये तीसरा, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है। और चौथा, ऐसा जो ज्ञायक भाव एक है, कैसा है? ज्ञायक भाव कैसा है? एक है, ज्ञायक भाव कैसा है? एक है। चार विशेषण अमृतचंद्र आचार्य देव ने ज्ञायक भाव के लिए चार विशेषण दिए। पहला विशेषण कहा, आत्मा ज्ञायक भाव कैसा है? अनादि अनंत। कल बताया था ना, शरीर का उत्पाद होता है, शरीर का नाश होता है, व्यय होता है, पर आत्मा का कभी उत्पाद नहीं और आत्मा का कभी, क्योंकि मैं तो अजर अमर तत्व हूँ, कहते है ना, दे अमरेपन हूँ नहीं मर तो अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। अपन क्या मनाते हैं ये दे की बर्थडे मनाते हैं ना, किसकी बर्थडे? ये दे की, आत्मा की बर्थडे नहीं होती ना, क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं और आत्मा का मरण। तीर्थंकरों का जन्मदिन मनाते हैं, तीर्थंकरों का जन्मदिन क्यों मनाते हैं? ज्ञानी पुरुषों का जन्मदिन मनाते हैं, क्यों? हाँ, क्योंकि ये अब उनका क्या है? आखिरी जन्म है, बराबर ना, अब वापस दोबारा वे क्या नहीं करने वाले हैं? जन्म मरण करने वाले नहीं, है ना, माताओं को रुलाने वाले नहीं। हमने अनंत काल से अनंत माताओं को क्या किया? रुलाया, मन में आ रहा है कि नहीं? क्या करके? पंच परावर्तन करके।
हाँ, पर अब क्या नहीं करेंगे, जन्म मरण नहीं करना है, क्योंकि जो जन्म मरण से रहित ऐसे भगवान आत्मा का दर्शन हो जाएगा तो हम संसार से कैसे हो जाएंगे, रहित हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे कहा ना, क्या कहा, पहला पॉइंट बताया कि जो अनादि अनंत है, दूसरा नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। नित्य उद्योत रूप, नित्य उद्योत रूप माने क्या, नित्य उद्योत रूप माने हर समय उसका जानना जानना हो रहा है, क्या हो रहा है, हर समय उसका जानना हो रहा है, है ना। भूतकाल में भी कैसा था, जानने वाला, वर्तमान में भी कैसा, जानने वाला, और भविष्य में भी कैसा, जानने वाला, है ना। माने मैं वर्तमान में ही त्रिकाल हूँ, क्या कहा, वर्तमान में ही कैसा हूँ, त्रिकाल हूँ। मुझे मेरे आत्मा का अनुभव करने के लिए मुझे भूतकाल के त्रिकाली को देखना नहीं पड़ेगा, है ना, मुझे भविष्य के त्रिकाली के पास नहीं जाना है, क्योंकि मैं वर्तमान में ही कैसा हूँ, वर्तमान में ही त्रिकाल हूँ, वर्तमान में परिपूर्ण हूँ। समझ में आ रहा है ना, पूज्य बेन श्री कहते हैं ना, जाग तो जीव उबो छे क्या जाए, हर समय मेरी क्या है, मौजूद की सत्ता है, हर समय मेरा जानना जानना हो रहा है, इसलिए मैं कैसा हूँ, नित्य उद्योत रूप, नित्य उद्योत रूप होने से कैसा हूँ, क्षणिक नहीं हूँ। बोलो, आधी रात को भगवान के दर्शन करने हो, मंदिर में भगवान के दर्शन करने हो, कर सकते हैं कि नहीं, आधी रात को कर सकते हो, हाँ नहीं कर सकते हो, मंदिर बंद हो जाता है ना, टाइम लिमिट होती है ना, पर आधी रात को भगवान आत्मा के दर्शन करने हो तो कर सकते हो कि नहीं, ख्याल रहे कि नहीं, हाँ बराबर। ये मंदिर में जो भगवान है उनके दर्शन, उनके दर्शन करने से तो पुण्य का बंद होगा, और ये भगवान आत्मा का दर्शन करने से क्या होगा, बंद का अभाव होगा, है ना। मंदिर में जो भगवान है उनके दर्शन तो पुण्य का उदय हो तो मिलेगा, पर ये भगवान आत्मा का दर्शन कैसे होगा, पुण्य के उदय से होगा, कैसे होगा, पुरुषार्थ से होगा, हाँ किससे होगा, पुरुषार्थ से होगा, अगर है कि नहीं। वो भगवान के दर्शन तो अनंत बार किए, कौन से भगवान के दर्शन नहीं किए, ये भगवान आत्मा का दर्शन नहीं किया। कैसा है ये भगवान आत्मा, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। तीसरा, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है, कैसा है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है, माने मैं स्वयं अपने आत्मा का क्या कर सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ। मुझे मेरे आत्मा का अनुभव करने के लिए मुझे किसी की पराधीनता, क्योंकि मैं स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति स्वरूप हूँ, है ना। सुरताली शक्ति में एक प्रकाश नाम की शक्ति है, कौन सी शक्ति, प्रकाश नाम की, जिस शक्ति के कारण, जिस शक्ति के कारण आत्मा स्वयं अपने आत्मा का क्या कर सकता है, अनुभव कर सकता है, है ना। इसलिए मैं कैसा हूँ, कैसा हूँ, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति स्वरूप। और चौथा, ये ज्ञायक भाव एक है, कैसा है, एक है। बोलो, शुभाशुभ भाव कितने हैं, शुभाशुभ भाव अनेक है, और ज्ञायक भाव कैसा है, एक है। शुभाशुभ भाव बदलते हैं ना, है ना, कभी शुभ और कभी अशुभ, पर ज्ञायक भाव बदलता है कि नहीं, ज्ञायक भाव तो ज्यो का त्यो, क्योंकि वो कैसा है, एक है। चार विशेषण आप लोग ने लिख लिए, है ना। पहला विशेषण क्या लिखा, अनादि अनंत है। दूसरा क्या, नित्य उद्योत रूप क्षणिक नहीं है। तीसरा, ज्योति स्वरूप है। और चौथा, ज्ञायक भाव एक है। पहले अमृतचंद्र आचार्य देव ने ज्ञायक भाव की महिमा कराई, किसकी महिमा कराई, ज्ञायक की महिमा कराई, मेरी महिमा गाई है, क्योंकि महिमा आएगी तो इसका अनुभव होगा, अगर महिमा ही नहीं आएगी तो अनुभव कैसे करेगा, है ना। जैसे यहाँ से मुझे सम्यक शिखर जाना है, तो मुझे सम्यक शिखर जाने के भाव कब आएंगे, कब आएंगे, कि जब मुझे उस तीर्थ क्षेत्र की क्या आएगी,
महिमा आएगी तो मैं वहां तक पहुंचूंगा, है ना। मुझे कोई मोबाइल खरीदने का भाव कब आएगा? कब आएगा उस मोबाइल खरीदने का भाव कब आएगा? कि जब मुझे उसके सारे क्या पता हो, फीचर्स पता हो, है ना, उस मोबाइल में क्या क्या है, ख्याल है ना। जैसे उसके फीचर्स पता चलता है तो मुझे क्या होता है, वो मोबाइल खरीदने का भाव आता है। ऐसे ही शुद्धात्मा का अनुभव कब होगा? कि जब मुझे उसकी क्या आएगी, महिमा आएगी। तो महिमा कराने के लिए आचार्य ने कितने बोल बताए? चार विशेषण बताए। चार विशेषण कैसा हूं मैं? पहला विशेषण कैसा हूं? अनादि अनंत। दूसरा, नित्य उद्योत रूप क्षणिक नहीं। तीसरा, ज्योति स्वरूप। और चौथा, मैं एक ज्ञायक अनेक नहीं हूं, मैं कैसा हूं? याद रह गया सबको? करा ना। अब आगे जाके देखो, अब कहते हैं वह संसार की अवस्था में अनादि बंद पर्याय की, फिर से वह संसार की अवस्था में अनादि बंद पर्याय की निरूपणा से शीर नीर की भांति कर्म पुद्गल के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए। तो दुरंत कषाय, पहले पूरा पढ़ लेती हूँ, बहुत बड़ा वाक्य है। दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव उनके स्वभाव परिणमित नहीं होने से इसलिए वह प्रमत भी नहीं और अप्रमत भी। पहले तो आप लोग पहले प्रमत और अप्रमत लिख लो। प्रमत क्या है और अप्रमत क्या है ना। प्रमत माने क्या? प्रमत माने लिखो, एक से छठे गुणस्थान की दशा को कहते हैं प्रमत। एक से छह गुणस्थान वाली जो दशा है उसको कहेंगे प्रमत, और सातवें से चौदहवें तक अप्रमत। क्लियर है ना। फिर से, एक से छह गुणस्थान वाली पर्याय को क्या कहेंगे, दशा को कहेंगे प्रमत, और सातवें से ऊपर सब अप्रमत। अब दूसरा लिखो, प्रमत माने शुभ अशुभ परिणाम। प्रमत में कितने परिणाम जाएंगे? दो, शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ को एक नाम दे दो तो अशुभ, शुभ और अशुभ को एक नाम दो तो कैसे परिणाम है? अशुद्ध। और अप्रमत माने शुद्ध। अप्रमत माने शुद्ध परिणाम, है ना। माने ज्ञायक भाव शुभ अशुभ परिणाम वाला तो नहीं हुआ है, पर ज्ञायक भाव शुद्ध परिणाम जितना भी नहीं। क्योंकि शुद्ध परिणाम तो शुद्ध है, पर वो शुद्ध परिणाम भी कितने समय के? एक समय के। और मैं कितने समय का हूं? त्रिकाल अनादि, है ना। तो प्रमत का अर्थ क्या लिखा आपने? प्रमत माने एक से छह गुणस्थान, और अप्रमत माने सात से चौदह। फिर प्रमत का अर्थ दूसरा क्या लिखा? शुभ अशुभ परिणाम, और अप्रमत माने शुद्ध परिणाम, है ना। ऐसे नहीं समझना प्रमत माने अशुभ और अप्रमत माने शुभ, ऐसा अर्थ नहीं है। प्रमत में दो जाएंगे, शुभ और अशुभ, और अप्रमत में शुद्ध। माने शुभ अशुभ जितना शुभ अशुभ वाला तो नहीं हुआ है, पर शुद्ध परिणाम वाला भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं हुआ है। क्लियर, बराबर ना। क्योंकि परिणाम कोई भी परिणाम हो कितने समय के होते हैं? एक समय के होते हैं। अब देखो यहाँ पे वापस मैं पढ़ती हूँ, वह संसार अवस्था में, संसार अवस्था में, संसार कल बताया था, संसार माने किसका नाम है? संसार माने मोह राग द्वेष के परिणाम को क्या कहते हैं? संसार कहते हैं। अब ये संसार अवस्था में अनादि बंद पर्याय की निरूपणा से शीर नीर, शीर माने दूध और नीर माने पानी, इन दोनों का कैसा संबंध है ना, एक क्षेत्र आवा संबंध है, वैसे ही आत्मा और कर्म का, संसार अवस्था में आत्मा और कर्म का कैसा संबंध है? शीर नीर के समान संबंध है।
बराबर, एक क्षेत्र आगा संबंध। कब से है ये संबंध, कब से अनादिकाल से संबंध चलता आ रहा है, बराबर ना, है ना। आत्मा का संबंध कर्म के साथ जो है ना, वो दूध और तपेली जैसा नहीं है, हाँ है ना, हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो, बर्तन जैसा नहीं है, है ना, दूध और पानी जैसा है। ऐसे आत्मा और कर्म का संबंध कैसे, एक क्षेत्राव का संबंध है। अब यहाँ पे लिखा ना अनादि बंद पर्याय की निरूपणा, निरूपणा का अर्थ लिखो, निरूपणा माने अपेक्षा, बंद पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे, किसकी अपेक्षा से देखेंगे, उसी आत्मा को। अब एक ही आत्मा है, आत्मा को देखने के दो एंगल, कितने एंगल, दो एंगल। उसी आत्मा को बंद पर्याय की अपेक्षा से देखे, बंद पर्याय की अपेक्षा से देखे तो वो कैसा दिखेगा, आत्मा कैसा दिखेगा, कर्मों से बंधा हुआ दिखेगा, कैसा दिखेगा, कर्मों से बंधा हुआ दिखेगा, बराबर ना, क्योंकि उसका कर्म के साथ कैसा संबंध है, शीर नीर के समान एक क्षेत्र का संबंध है। क्लियर, आत्मा को देखने के कितने एंगल, दो, बराबर ना, एक पर्याय अपेक्षा, एक पर्याय की अपेक्षा से देखे और एक द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखे। पर्याय स्वभाव की अपेक्षा से देखेंगे तो आत्मा कैसा दिख रहा है, कर्मों से बंधा हुआ दिख रहा है। कर्म पुद्गल के साथ एक रूप होने पर भी, क्या कहा, एक रूप होने पर भी, माने कर्म के साथ बंधा हुआ दिखने पर भी द्रव्य के स्वभाव की, मिला आपको, द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए। अब क्या करो, अब पर्यायार्थिक चक्षु को बंद करो, अब कौन से चक्षु को खोलो, द्रव्यार्थिक चक्षु को खोलो। अनादिकाल से कौन सा चक्षु खुला है, इसलिए हम अपने आप को कैसा मान रहे हैं, कैसा मान रहे, बंधन वाला मान रहे है ना, कर्म वाला मान रहे। अब आचार्य कहते हैं उस एंगल को देखना बंद करो, और अब किस एंगल से देखो आत्मा को, द्रव्यार्थिक चक्षु से देखो, द्रव्य स्वभाव से देखो तो दूरंत, अब देखो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, दूरंत, दूरंत माने, दूरंत माने अत्यंत कठिनाई से, अत्यंत कठिनाई से, सरलता से नहीं, कठिनाई से, है ना, अत्यंत दूरंत कषाय चक्र के उदय की, देखो कषाय चक्र के उदय की, कषाय चक्र के, अभी यहाँ पे कषाय माने क्या लिखना आपको, कषाय माने क्या, कषाय माने यहाँ परिणाम नहीं, कषाय माने यहाँ कर्म का उदय, क्या कहा, कर्म का उदय, क्या हुआ अभी, तो कहते पूर्व कर्म का उदय आया, किसका उदय आया, है ना, उदय हमेशा पूर्व कर्म का होता है और बंद हमेशा नवीन कर्म का होता है, दो चीज लिख लेना, उदय किसका होता है रश्मिबेन, पूर्व कर्म का, और बंद किसका होता है, नवीन कर्म का। देखो मैं तीन आपको तीन स्टेप्स लिखाती हूँ, है ना, पूर्व कर्म का उदय, वर्तमान में शुभ शुभ परिणाम और नवीन कर्म का बंद। तीन चीज हुई, कौन सी तीन चीज, पूर्व कर्म का उदय, वर्तमान में शुभ शुभ परिणाम और नवीन कर्म का बंद। क्लियर, बराबर ना, है ना, उदय किसका होता है और बंद किसका होता है, नवीन कर्म का। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखा कि दुरंत कषाय चक्र के उदय की, माने पूर्व कर्म के उदय से विचित्रता के वश, विचित्रता माने अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के उदय आते हैं ना, कर्म के उदय कितने प्रकार के, अनेक प्रकार के, वश से, वश होना माने, वश होना माने उसके अधीन होना, उसका लक्ष्य करना। कर्म का उदय, कर्म का उदय राग नहीं कराता, क्या कहा फिर से, जो अभी तीन चीज बताई थी ना, कर्म का उदय, वर्तमान के परिणाम और नवीन कर्म का बंध, ये तीनों स्वतंत्र है, कोई किसी को नहीं कराता। अगर पूर्व का उदय हमको विकार कराए तो क्या होगा, कभी संसार का क्या नहीं होगा, अभाव ही नहीं होता है, होगा, बराबर ना।
ये जीव कर्म का उदय विकार नहीं कराता। बुद्ध कहते ना, कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकारी। ये स्वयं अपने को भूलकर किसके आदि होता है, कर्म के वश होता है। कर्म उसको रुलाते नहीं, कर्म उसको दुखी नहीं करते। क्या नहीं, कर्म में तो ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं, है ना। सुमत भाई साहब की वो भक्ति है ना, गुरुदेव नहीं मिले थे तो पहले क्या गाते थे, आ तो कर्मों के बीच में बिचारी आत्मा दुखी आत्मा। बोलो आत्मा दुखी है कि नहीं, आत्मा बिचारी है कि नहीं। फिर गुरुदेव मिले उसके बाद क्या गाने लगे, आठो कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा है हमारी आत्मा। ज्ञानावरणी ज्ञान न रोके दर्शनावरणी दर्शन, हे जो मोहनी करम, ये जो मोहनी करम, ना भुलावे आत्मा ना सतावे आत्मा। क्या क्या कहा, हाँ, मोहनी कर्म हमको रुलाता नहीं और हमको सताता नहीं है, है ना। जी दुखी होता है तो अपनी अज्ञानता से दुखी होता है ना। स्वयं किसका लक्ष्य करता है, स्त्री घर कुटुंब परिवार आदि का लक्ष्य करता है और स्वयं कैसा होता है, दुखी होता है। समझ में आया, आगे आगे फिर से देखो, दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से क्या हुआ, कर्म के उदय से क्या हुआ, ये कर्म के उदय को वश हुआ, उसके अधीन हुआ, उसका लक्ष्य किया। प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न कराने वाले, अब पुण्य पाप को उत्पन्न कराने वाले माने क्या लेना, यहाँ पे क्या लेना, तीन चीज बताई थी ना, पुण्य पाप को उत्पन्न कराने वाले माने पुण्य पाप का बंद कराने वाले, बराबर ना। हाँ, नवीन कर्म का बंद, पहले क्या लिया था, पूर्व कर्म का उदय, उससे वश हुआ तो सामने क्या हुआ, पुण्य पाप का उत्पन्न हुआ, पुण्य पाप को उत्पन्न किया, बराबर। उत्पन्न किया माने नवीन कर्म का बंद हुआ। अब क्यों बंद हुआ, क्यों बंद हुआ, क्यों के देखो, कराने वाले ऐसे समस्त अनेक शुभ अशुभ भाव, किसने नवीन कर्म का बंद कराया, किसने कराया, शुभ अशुभ परिणाम, ख्याल आ रहा ना। और वो शुभ अशुभ परिणाम कैसे हुए, क्यों हुए, क्यों के जीव किसके वश हुआ, पूर्व कर्म के उदय के वश। आपको पूरी साइकिल समझ में आ गई, है ना। उदय आया, ये जीव उसके वश हुआ तो पुण्य पाप का क्या हुआ, पुण्य पाप को उत्पन्न कराया, उत्पन्न कराया माने नवीन कर्म का बंद हुआ, बराबर ना। नवीन कर्म का बंद क्यों हुआ, क्योंकि शुभ अशुभ परिणाम, शुभ अशुभ परिणाम क्यों हुए क्योंकि पूर्व कर्म के उदय को ये जीव क्या हुआ, वश हुआ, वशीभूत हुआ, बराबर ना। अब कहते हैं वो समझ, देखो आचार्य देखो समझाना क्या है, इन तीन चीज को समझा के ये समझाना है कि ये आत्मा अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव परिणमित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, समझ में आया, ये शुभ अशुभ परिणाम जो हुए पर ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कभी शुभ अशुभ परिणाम वाला नहीं हुआ। इसलिए भगवान आत्मा कैसा है, तो यहाँ लिखा है इसलिए वह प्रमद भी नहीं और अप्रमद भी नहीं। ख्याल आ गया कि नहीं, है ना। भगवान आत्मा शुभ और अशुभ परिणाम वाला नहीं हुआ, इसलिए भगवान आत्मा कैसा है, प्रमद भी नहीं और अप्रमद भी नहीं, बराबर ना। कर्म और आत्मा के बीच में कैसा संबंध बताया था, एक क्षेत्र का संबंध, किसके जैसा, शीर नीर के समान, बराबर ना। किसकी अपेक्षा से देखेंगे तो आत्मा वैसा दिखेगा, संसार में किसकी अपेक्षा से देखेंगे तो पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो आत्मा ऐसा दिखेगा, बंद पर्याय वाला दिखेगा।
और स्वभाव की अपेक्षा से देखे, स्वभाव की अपेक्षा से देखे तो आत्मा कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा? प्रमद भी नहीं हो, प्रमद भी नहीं, ज्ञायक भाव तो ज्ञायक ही है। कहा जा रहा है ज्यो का त्यो है, बराबर ना। तीन चीज बताई थी, पूर्व कर्म का उदय, वर्तमान के परिणाम और नवीन कर्म का। पूर्व कर्म का उदय आया, ये जीव उसके वशीभूत हुआ तो नवीन कर्म का बंध हुआ, बराबर ना। परंतु परंतु ज्ञायक भाव तो शुभ भाव रूप भी नहीं हुआ और अशुभ भाव वाला भी नहीं हुआ। इसीलिए ज्ञायक भाव कैसा है? प्रमद भी नहीं और अप्रमद भी नहीं है, बराबर। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखो क्या कहते हैं। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। कैसा कहलाता है? शुद्ध कहलाता है। कब शुद्ध कहलाएगा? कब शुद्ध कहलाया? शुद्ध, शुद्ध क्यों कहा? आत्मा को शुद्ध क्यों कहा? यहाँ तो देखो गाथा में तो अमृत चंद्राचार्य ने क्या कहा कि भगवान आत्मा प्रमद भी नहीं हुआ अप्रमद भी नहीं हुआ, इसलिए शुद्ध है, इसीलिए शुद्ध है। अब यहाँ पे कहा गाथा में ऐसा कहा, टीका में क्या कहा कि समस्त अन्य भावों से भिन्न रूप उपासित होता हुआ शुद्ध है, होता हुआ शुद्ध है, उपासित होता हुआ शुद्ध है। माने किसको शुद्ध होगा? ज्ञानी को कि अज्ञानी को? ज्ञानी को, क्योंकि क्योंकि उसकी उपासना किसने की? ज्ञानी ने की, अज्ञानी ने नहीं की, है ना। भगवान आत्मा तो सबके पास है, सबके पास। एक निगोदिया जीव के पास भी भगवान आत्मा है कि नहीं? है ना। अपने पास भी है कि नहीं? है ना। पर किसके लिए शुद्ध है? किसके लिए शुद्ध है? कि जो उसकी उपासना करे उसके लिए शुद्ध है, सबके लिए शुद्ध नहीं। शुद्ध जाना किसने? गुरुदेव, गुरुदेव श्री को प्रश्न पूछते थे ना कि साहेब आप कारण परमात्मा की इतनी महिमा करते हो पर कार्य तो प्रकट होता नहीं है। क्या प्रश्न करते थे चाची? कि आप शायद कारण परमात्मा की इतनी महिमा करते हो पर कार्य क्यों प्रकट नहीं होता है? तो गुरुदेव जी क्या जवाब देते थे? कि कारण परमात्मा का स्वीकार हो तो कार्य प्रकट। क्या कहा? कारण परमात्मा का स्वीकार हो तो कार्य हो, है ना। पूज्य बेंशी कहते ना जैसा कारण देंगे वैसा कार्य होगा, जैसा कारण देंगे वैसा कार्य होगा। भक्ति में भी गाते हैं ना, आज हमारो उपयोग पलट्यो, उपयोग पलट्यो ने अभिप्राय पलट्यो, चैतन्य चैतन्य भासी रहो रे, आत्म तारी भक्ति मा भिंजाई गयो रे। श्रीमद जी ने भी आत्म सिद्धि में लिखा है ना, उपजे मोह विकल्प थी समस्त आसंसार, अंतर्मुख अवलोकता विलयतता नहीं वार। संसार किसका नाम है? विकल्पों का नाम संसार है। और जैसे अंतर्मुख अवलोकन किया तो उसी समय क्या हो गया? विभाव का अभाव हो गया। इसलिए यहाँ पे कहा कि उपासना करते हुए शुद्ध कहलाएगा, जो उसकी सेवा करेगा उपासना करेगा उसके लिए भगवान आत्मा क्या है? शुद्ध है। शुद्ध है भगवान आत्मा। द्रव्य स्वभाव से तो अनादि का शुद्ध है, पर पर्याय में शुद्ध किसके लिए? जो उसकी उपासना करे उसके लिए, है ना। मंदिर में भगवान तो है, मंदिर में भगवान तो है, पर दर्शन किसको मिलेंगे? जो मंदिर में आए उनको भगवान के दर्शन मिलेंगे, है ना। जो ये त्रिकाली के दर्शन करेगा उनके लिए क्या, उनके लिए क्या कहा? उपासवामक आउटो शुद्ध दर्शन, है ना। शक्कर मीठी किसके लिए? शक्कर मीठी किसके लिए? जो चखेगा उसके लिए, है ना।
ऐसे जो इसका आनंद लेगा, जो इसका अनुभव करेगा, उसके लिए शुद्ध है। बाकी तो अज्ञानी को क्या पता, अज्ञानी को क्या पता कि भगवान आत्मा शुद्ध है, उसके तो खाली वाणी में आया है ना, क्षयोक्षम ज्ञान में है, धारणा ज्ञान में है ना, पर अनुभव नहीं हुआ है ना। ज्ञानी को ऐसा अनुभव हो जाता है कि फिर उनका ऐसा अनुभव, ऐसा निर्णय हो गया कि उनका अनुभव जो हुआ है वो कभी बदलेगा, तीन काल में वो बदल नहीं सकता, ऐसा उनका क्या हो गया है, निर्णय हो गया है। ये हुआ भी पहला पैराग्राफ हुआ। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया, देखो ये छठी गाथा में पर्यायों से भिन्न आत्मा को बताया, किससे भिन्न बताया, मंजुआंदी पर्यायों से भिन्न बताया। सातवीं गाथा अभी जो आगे देखेंगे ना, उसमें गुण भेद से भगवान आत्मा को भिन्न बताया। सातवीं में गुण भेद से भिन्न और छठी में पर्यायों से भिन्न बताया, बराबर। अब देखो यहाँ पे एक उदाहरण से समझाते हैं। अब पहले तो ये उदाहरण क्यों लिखना पड़ा, यहाँ पे एक प्रश्न ऐसा होता है कि भगवान आत्मा शुभ अशुभ परिणाम वाला तो नहीं हुआ है, पर क्या ये परिग्नियों को जानता है ना, आत्मा परिग्नियों को जानता है, शुभ अशुभ वाला नहीं हुआ इसलिए तो शुद्ध है, पर परिग्नियों को जानता है तो आत्मा अशुद्ध हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, तो कहते नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ, इसीलिए दृष्टांत लिखने में आया। क्या दृष्टांत लिखा है, पहले अपन दृष्टांत पढ़ते हैं, देखो। और जैसे धार्य के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, दो 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 बात आई आगे, दो बात, दो नाम आए, क्या नाम आए, धार्य और दहन, धार्य और दहन। अभी आप लोग लिखना, जो जलने योग्य पदार्थ है, जो जलने योग्य पदार्थ है उसको तो कहते हैं धार्य, उसको कहते हैं धार्य, और जो जलाने वाली अग्नि है उसको कहते हैं दहन, उसको क्या कहते हैं, दहन, बराबर ना। जलाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं, दहन, और जलने योग्य पदार्थ को क्या कहते हैं, धार्य। अब वो जलने योग्य पदार्थ के जो दहन धार्य का ना, उसके स्थान पे ग्नेयो को रखो, किसको रखो, गेयो को रखो, और जो दहन अग्नि है ना उसके स्थान पे ग्यायर को रखो, किसको रखो, ग्यायर को रखो। गेय कैसे है, ग्ने कैसे है, जानने में आने योग्य है, ग्ने कैसे है, जानने में आने योग्य है, और आत्मा कैसा है, जानने वाला है। दो चीज समझ में आ गई, ग्ने कैसे है, जानने में आने योग्य है, और आत्मा कैसा है, जानने वाला है, बराबर। दो चीज हो गई ना, दहन और धार्य, धार्य किसको कहा, जलने योग्य पदार्थ, और दहन किसको कहा, जलाने वाली अग्नि को। देखो अब आप क्या कहते हैं, जैसे धार्य जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके धार्य रूप अशुद्धता नहीं आती है, क्या नहीं आती है, धार्य रूप अशुद्धता नहीं आती है। अब इसको थोड़ा समझना, अब जो लोखंड का गोला होता है ना, लोखंड का गोला कैसा है, वो गोल है, हाँ? अब अग्नि में उसको जलाने में आया तो अग्नि का आकार कैसा हो गया, कैसा हो गया, गोल हो गया, बराबर ना। कोई लंब चौरस चीज हो है ना, और उसको जलाने में आए तो अग्नि का आकार कैसा हो गया, लंब चौरस हो गया ना। कोई रेक्टेंगल चीज हो और अग्नि को जलाने में आए, वो पदार्थ जलाने में आए तो वो अग्नि का आकार कैसा हो गया, हाँ त्रिकोण हो गया ना, हला रहा है कि नहीं। अब मेरा प्रश्न ये है कि वो आकार, अग्नि का जो आकार हुआ ना, गोल हुआ, लंब चौरस हुआ, त्रिकोण हुआ, तो वो आकार वो पदार्थ का है कि अग्नि का है,
वो आकार किसका है? किसका आकार है? पक्का कोई पदार्थ का बोल रहे हैं, कोई अग्नि का बोल रहे हैं? कि मैं बार बार पूछ रही हूँ इसलिए आप लोग बार बार बदल रहे हो। अभी पक्का अग्नि का है कि पदार्थ का है? यहाँ से हाँ, अग्नि का है कि पदार्थ का है? वो आकार स्वयं अग्नि का है। किसका है? अग्नि का है। वो आकार पदार्थ का नहीं है। वो आकार जैसा जो अग्नि का आकार हुआ है ना, वो आकार किसका है? स्वयं अग्नि का है, पदार्थ का नहीं। अब यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर वो आकार पदार्थ का होता, आकार पदार्थ का होता ना, तो फिर दायक्रोध अशुद्धता आ जाती। किसको आ जाती? अग्नि को दायक्रोध अशुद्धता आ जाती। देखो दो चीज लिखो, दो चीज के कारण दायक्रोध अशुद्धता आती। दो चीज के कारण, किस दो चीज के कारण? पहला लिखो, पहला अगर पहला पदार्थ के कारण से उस अग्नि का आकार होता तो क्या होता? दायकृत अशुद्धता आती। क्या लिखा? पदार्थ के कारण से अग्नि का आकार होता तो क्या आती? दायकृत अशुद्धता आती। और वो पदार्थ और वो अग्नि पदार्थ रूप हो जाती, अग्नि पदार्थ रूप हो जाती तो भी क्या आती? दायक्रूद अशुद्धता। दो कारण से दायक्रूद अशुद्धता आती। किस दो कारण से? एक तो वो आकार पदार्थ का जो आकार है ना, उसके कारण से अग्नि का आकार होता तो फिर दायक्रूद अशुद्धता आती। और दूसरा क्या बताया? कि वो अग्नि किसके रूप हो जाती? पदार्थ रूप हो जाती तो दायक्रूद अशुद्धता आती। पर ना वो आकार पदार्थ का है और ना अग्नि पदार्थ रूप हुई है, इसलिए अग्नि को क्या नहीं आती है? दायक्रूद अशुद्धता नहीं आती। क्लियर? दो कारण बताए, दो कारण से अशुद्धि होती। दो कारण कौन से? दो कारण, पहला क्या बताया? अगर पदार्थ के कारण अग्नि का आकार होता तो दायक्रूद अशुद्धता आती। और दूसरा क्या बताया? कि वो अग्नि पदार्थ रूप हो जाती तो दायक्रूद अशुद्धता आती। बराबर? पर ऐसा तो होता नहीं है ना, इसीलिए अग्नि को दायक्रूद अशुद्धता नहीं आती। अब ज्ञान और ज्ञेय में घटित करो, ज्ञान और ज्ञेय में फिर से कैसे घटित करोगे? ज्ञान को ज्ञेयकृत अशुद्धता कब आती? हाँ, अगर अब आप घटित करो, पहला घटित करो। कैसे घटित करोगे? अगर ज्ञेयों से ज्ञान होता है ना, ज्ञेयों से ज्ञान होता तो ज्ञेयकृत अशुद्धता आती। क्या आती? ज्ञेयकृत अशुद्धता आती। अगर किससे ज्ञान होता तो? ज्ञेयों से ज्ञान होता तो। बराबर? और दूसरा, अगर ज्ञान ज्ञेय रूप हो जाता, अगर ज्ञान ज्ञेय रूप हो जाता तो फिर क्या आती? ज्ञान को ज्ञेयकृत अशुद्धता आती। बराबर? ना ज्ञेयों से ज्ञान होता है और ना ज्ञान ज्ञेय रूप हो जाता है, इसलिए ज्ञान को कभी ज्ञेयकृत अशुद्धता आई नहीं है। ज्ञान तो कैसा है? ज्ञान है ना, माने ज्ञान में आज तक किसी ज्ञेय का प्रवेश नहीं है और ज्ञान कभी ज्ञेय रूप हुआ नहीं है। ज्ञेय ज्ञेय के स्थान पे है और ज्ञान ज्ञान के स्थान पे है ना। ज्ञेयों का ज्ञान करने के लिए ज्ञान को ज्ञेयों के पास जाना नहीं पड़ता और ज्ञेयों को ज्ञान के पास आना नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों कैसे है? भिन्न भिन्न है, स्वतंत्र है। पर ये जी ने क्या माना, इसकी भूल क्या है? कि ये ज्ञान में झलकते ही अपने को कैसा मानता है? ये गे वाला मानता है ना। राग ज्ञान में झलका, किसके ज्ञान में झलका?
अज्ञानी के ज्ञान में भी जल का और ज्ञानी के ज्ञान में भी जल का। अज्ञानी ने क्या माना, क्या माना कि मैं रागी, मैं रागी है ना, ये शरीर में रोग हुआ, शरीर में रोग हुआ, तो अज्ञानी के ज्ञान में भी जल का और ज्ञानी के ज्ञान में भी। पर अज्ञानी ने क्या माना, मैं रोगी है ना, और ज्ञानी अपने आप को क्या मानते हैं, मैं तो मात्र जानने वाला है ना। जैसे वो टीवी के स्क्रीन के ऊपर है ना, टीवी देखते हो ना, टीवी तो देखना ही नहीं चाहिए है ना, टीवी किसका कारण है, किस ये साधन किसका कारण है, निगोद का कारण है, ख्याल आ रहा है कि नहीं। ये तो दृष्टांत में मैं समझा रही हूँ कि टीवी की स्क्रीन पर सब कुछ क्या होता है, झलकता है, पर वो स्क्रीन को क्या हुआ, बोलो भूकंप आता है तो क्या हम डर जाते हैं, सामने बैठते तो डर जाते, नहीं डरते ना, क्योंकि हमको क्या है वहां पे निशंका है कि टीवी को कुछ नहीं हुआ है। ऐसे ज्ञान रूपी स्क्रीन के ऊपर सब कुछ क्या हो रहा है, झलक रहा है, पर ज्ञान में आज तक किसी का प्रवेश नहीं हुआ है। क्योंकि ज्ञान का काम क्या है, जानना है, और ज्ञेयों का क्या काम क्या है, ज्ञेयों का काम का है क्या है, झलकना है, ख्याल है ना। केवली भगवान के ज्ञान में लोकालोक झलक रहे, फिर से दो चीज देखो, केवल ज्ञान जो हुआ ना, केवल ज्ञान तो लोकालोक के कारण से, लोकालोक के कारण से केवल ज्ञान नहीं, और केवल ज्ञान में लोकालोक, लोकालोक नहीं है ना, लोकालोक से केवल ज्ञान नहीं, और केवल ज्ञान में लोकालोक है ना। अगर लोकालोक केवल ज्ञान में आ जाए तो, आ जाए तो ज्ञान और ज्ञेय कैसे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, ज्ञेयकृत अशुद्धता खड़ी हो जाएगी, बराबर ना। दृष्टांत में आपको समझ में आ गया, सिद्धांत समझ में आ गया कि जैसे अग्नि को दायकृत अशुद्धता नहीं आती है, ऐसे ज्ञान को कभी ज्ञेयकृत अशुद्धता आई नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो सदाए कैसा है, निर्मल है, शुद्ध है, ज्ञान में तो ज्ञान ही है, बराबर ना। देखो तीन चीज होती है ना, ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञानाकार ज्ञान और ज्ञायक, चार चीज क्या बताया, ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञानाकार ज्ञान और ज्ञायक। जो ज्ञेय है ना वो तो परद्रव्य है, वो तो मेरी सत्ता में है ही, वो तो मेरे से भिन्न है। अब जो ज्ञेय जैसा जो ज्ञान का आकार हुआ ना, ज्ञान में आकार हुआ, उसको कहेंगे ज्ञेयाकार ज्ञान। क्या कहेंगे, ज्ञेयाकार ज्ञान, माने ज्ञेयों की अपेक्षा से उसी ज्ञान की पर्याय को कहेंगे ज्ञेयाकार ज्ञान, और उसी ज्ञान की पर्याय को ज्ञान की अपेक्षा से क्या कहेंगे, ज्ञानाकार ज्ञान। पर्याय तो एक ही है, पर उस पर्याय को देखने के एंगल कितने, दो। ज्ञेयों से देखो तो उसी पर्याय को कहेंगे ज्ञेयाकार ज्ञान, बराबर, पर वो ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञेय नहीं है, वो ज्ञेयाकार ज्ञान में कौन है, ज्ञान ही है। तो ज्ञान की अपेक्षा से देखो तो उसी पर्याय को क्या कहेंगे, ज्ञानाकार ज्ञान, और वो ज्ञान में कौन है, ज्ञान में कौन है, ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान में ज्ञायक ही है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञायक दो अलग अलग नहीं है, ज्ञान और ज्ञायक कैसे है, अभेद है, बराबर ना। देखो अब आगे जाते हैं, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में का है, उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, पर ज्ञेयों को जानने के कारण से आत्मा का नाम क्या पड़ा, आत्मा का नाम क्या पड़ा, ज्ञायक नाम पड़ा, बराबर ना। खाली पर ज्ञेयों को जानने से नहीं, अब देखो आगे क्या कहते हैं, आगे कहेंगे, देखो स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में, स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में माने स्वरूप को जानने की अवस्था में, जब अपने को जान रहा है, ज्ञान किसको जान रहा है, माने निर्विकल दशा की बात है, कब की बात है ये, निर्विकल दशा, बराबर ना। तब दीपक की भांति,
कर्ता कर्म का अनन्यत्व एकता होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है, इसलिए स्वयं कर्ता है, और अपने को जाना इसलिए स्वयं कर्म है। क्या कहा, किसका उदाहरण दिया, अब किसका उदाहरण दिया, दीपक का। देखो दीपक घटपट आदि को जाने, दीपक किसको जाने, घटपट आदि को प्रकाशित करे, तो दीपक घटपट आदि रूप हो गया कि नहीं, नहीं हुआ ना। माने घटपट आदि को प्रकाशित करने के काल में भी दीपक कैसा रहा, दीपक तो दीपक रहा, और दीपक को स्वयं को प्रकाशित करने के लिए कोई अन्य दीपक की आवश्यकता है नहीं, है ना। स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है ना, है ना, तो जब स्वयं को प्रकाशित कर रहा है तब भी दीपक कैसा, दीपक तो दीपक ही है। दो पॉइंट समझ में आ गए, जब घटपट आदि को प्रकाशित करता है तब भी दीपक, और जब स्वयं को प्रकाशित करता है तब भी दीपक, बराबर। ऐसे ज्ञान पर को जानता है, पर के जानने के काल में भी ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, और जब स्व को जान रहा है, स्व को जान रहा है तब भी ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। ख्याल आ रहा है ना, माने जानने वाला भी ज्ञायक और जानने में आने वाला भी, समझ में आ रहा है कि नहीं। खरेखर खरेखर वो पर को जानता ही नहीं है, पर संबंधी अपने ज्ञान को जानता है, और निर्विकल दशा में तो वो किसको जान रहा है, स्वयं को जान रहा है, बराबर के नहीं। और जानने वाला कौन, स्वयं, और जानने में आने वाला भी कौन, स्वयं, बराबर ना। क्योंकि कहा ना, पर प्रकाशन के काल में भी ज्ञायक ज्ञायक ही है, और स्व प्रकाशन के काल में भी ज्ञायक, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कहा कर्ता कर्म का क्या है, क्या है, अन्यपना नहीं है, अनन्यत्वपना है, क्या है, एकता रूप है, बराबर ना, अभेदपना है। कर्ता और कर्म कैसे है, अभेद है, माने कर्ता भी आत्मा और कर्म भी, जानने वाला भी आत्मा और जानने में आने वाला भी, इसलिए कर्ता कर्म कोई अलग अलग नहीं। कर्ता माने जानने वाला और कर्म माने जानने में आने वाला, बराबर ना। इसीलिए एकता रूप होने से ज्ञायक ही स्वयं जानने वाला है और जानने में आने वाला भी स्वयं है, बराबर ना। देखो मैं ब्रैकेट का पढ़ती हूँ, देखो क्या लिखा है, जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी अन्य कुछ नहीं है, उसी प्रकार ज्ञायक का समझना चाहिए, बराबर ना। माने जब ज्ञायक पर को जानता है तब भी वो ज्ञायक है, और जब निर्विकल दशा में स्व को जानता है, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक को ही जानेगा, एक को ही जानेगा, या तो पर को और या तो, है ना। जब स्व को जान रहा है ना ज्ञायक, ज्ञायक को जान रहा है जब ज्ञान, है ना, तो जानने में भी कौन आ रहा है, स्वयं, बराबर, और जानने वाला भी कौन है, स्वयं। ऐसा कर्ता कर्म का क्या हो गया, कैसा हो गया, एकता हो गई, बराबर। कर्ता कर्म, कर्ता अलग और कर्म अलग, ऐसा कर्ता भी स्वयं और कर्म भी स्वयं, ऐसा जब कर्ता कर्म का, है ना, अनन्यत्वपना ख्याल में आ गया तब क्या हो गया, यहाँ पे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, और यहाँ पे आगे जो कहा था ना, उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है, तब ख्याल में आया, तब ख्याल में आया, क्या ख्याल में आया, कि आत्मा शुद्ध है। पर्याय में जब अनुभूति हुई तब ख्याल में आया कि आत्मा कैसा है, शुद्ध है। अभी तक ख्याल में नहीं आया था, अभी तक तो विकल्प में था, अभी तक तो शास्त्र से जाना था, अभी तो किसी ज्ञानी के देशना में सुना था, अभी तक तो सूक्ष्म ज्ञान में था। पर जब कर्ता कर्म का क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, एक रूपता समझ में आ गई, त
तब क्या समझ में आया कि ज्ञायक कैसा है? शुद्ध है। अनुभूति के काल में समझ में आया कि ज्ञायक शुद्ध है। क्लियर, बराबर ना? दो उदाहरण से समझाया। यहाँ पे किसका उदाहरण? एक तो अग्नि का उदाहरण दिया और दूसरा दीपक का उदाहरण दिया, है ना। दो चीज बताई थी, दाह्यकृत अशुद्धता अग्नि को क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि वो आकार किसका है? अग्नि का है, पदार्थ का, परद्रव्य का नहीं है, बराबर। और दूसरा क्या बताया था? अग्नि किसके रूप नहीं हुई? पदार्थ रूप नहीं हुई, इससे अग्नि को दाह्यकृत अशुद्धता नहीं है। ऐसे ज्ञान को ज्ञेयकृत अशुद्धता क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? दो कारण बताए। ज्ञेयो से ज्ञान नहीं हुआ, बराबर, और ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हुआ, बराबर ना। दो कारण से क्या नहीं आई? ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान ही है, बराबर ना। जो आकार अग्नि का हुआ वो स्वयं की योग्यता से हुआ, ऐसा जो यहाँ पे जानना हुआ वो ज्ञान अपनी योग्यता से हुआ, पर के कारण से नहीं हुआ। और फिर यहाँ पे बताना, जैसे दीपक का उदाहरण से फिर समझाया कि दीपक पर को घटपट आदि को प्रकाशित करने के काल में भी कैसा है? दीपक है। और स्वयं को प्रकाशित करने के काल में भी कैसा है? दीपक है, बराबर ना। ऐसे ज्ञायक पर को जाने तब भी कैसा? ज्ञायक है। और स्व को जाने तब भी कैसा? ज्ञायक है, क्योंकि जानने में आने वाला भी और जानने वाला भी, ऐसा कर्ता कर्म का क्या ख्याल में आ गया? एकतापना ख्याल में आया, तब पता चला कि क्या है ज्ञायक, कैसा है ज्ञायक? तो ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ज्ञायक तो शुद्ध ही है। क्लियर, बराबर ना। ऐसे हमने अभी ये पूरी छठी गाथा देखी, है ना। अब आगे जाते हैं, सातवीं गाथा पे आओ। सातवीं गाथा एक बार अपन सातवीं गाथा प्राकृत में पाठ करे और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या कहते, देखो। व्यवहारेणुवतिष्ठति नागिश्चरित्रदर्शनमाणम् रविनाणम् चरित्रम्।